तो सवाल का लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं बच्चों। सवाल का लेवल और बढ़ाने का मतलब कि अभी तक जो सवाल करते थे थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल करते हैं। जैसे सवाल है कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल सैटिस्फाइंग यानी आपको दे रखा है एफ ऑफ टू एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, देन फाइंड पहला इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ऊपर सवाल में बोल भी नहीं रखा है कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमको बताना है। सेकेंड चीज जो अपने को बताना है वो पॉलिनोमियल ही बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल हो, लकी पॉलिनोमियल कौन सी होगी, ये वाली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली। देखो जब भी ये सवाल आएगा ना, ये सवाल होते आसान है लेकिन आपके दिमाग में वो ट्रिकिंग पॉइंट, वो पॉइंट नहीं मिलेगा कि ट्रिगर वाला पॉइंट नहीं मिलेगा कि किसको ट्रिक करे, किसको हम यहां ट्रिगर दबाए कि अपने को आंसर मिल जाए। तो आप सोच सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमारे। अच्छा आप अच्छे, अगर आपने चीजों को अच्छे से सीखा है तो आप बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको सॉल्व करें, आप इसके लिए टाइम 2 मिनट के बजाय 4 मिनट भी ले सकते हैं, पूरा आपके पास थॉट के लिए पूरा अवेलेबल है। कह रहा है कि एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, ये नहीं बोला है कि कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, बस बोला है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद बोला है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब इसको लिंक करने वाली क्या चीज हो सकती है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं? तो अगर हमने मान लिया, देखो पहली बात ये, देखो लिंक करने वाली जो हिंट है वो यही है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हमसे डिग्री पूछ रहा है तो हमको डिग्री के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिग्री के बारे में सोचना पड़ेगा। हमने मान लिया कि, मान लेते हैं कि एक आपका एन डिग्री का पॉलिनोमियल है। लेट देखो थोड़ा सा ये बढ़िया सवाल है भाई, तो आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे टाइम लिखना कम है, सोचना ज्यादा है। तो हमने मान लिया कि लेट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एन। जैसे अगर हमने एफ एक्स इक्वल टू एन है तो जरा बताओ, देयर फोर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2x की डिग्री क्या होगी? अगर देयर फोर जो ये 2x पुट होगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी जरा बताओ। तो क्या, जैसे मैं मान लो इधर साइड में देखो, मैंने एक एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने दिखाने के लिए लेता हूं। जैसे मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्यूई का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हमने एफ ऑफ 2x निकाला तो ये हो जाएगा a इंटू टू ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस b इंटू टू ऑफ x प्लस c। जरा बताओ तो क्या ये 4ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c क्या अभी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रही? क्या अभी भी इसकी डिग्री 2 ही रही? क्या डिग्री में कोई चेंजेज हुआ? क्या डिग्री स्टिल बराबर ही रही? क्या ऐसे ही अगर मैं n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखूंगा तो x के जगह पे 2x पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल की डिग्री में कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो नहीं, लिनियरली चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे 2x प्लस 3 भी लिख देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसका x के बजाय 2x स्क्वायर कर देता है x स्क्वायर x क्यूब, तो तब उस केस में पॉलिनोमियल की डिग्री भी बदल जाती। तो यहाँ पे स्टिल डिग्री आपका n है। अच्छा f डैश x का बताओ तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल f डैश x का डिग्री क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि ये कहीं जो चीज है वो लिंक कर रही है डिग्री। तो अगर देखो इसको, अगर एफ एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2ax हो जाएगा, तो f डैश करते ही एक डिग्री कम हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, फिर प्लस b, मतलब डिग्री 1 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का लीनियर हो जाएगा। तो वैसे ही अगर इसका डिग्री n है तो f डैश x का डिग्री n माइनस 1 और डिग्री ऑफ एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एन माइनस 2, दो डिग्री कम हो जाएगा एन से एन माइनस 2। तो क्या होता है कि एक बात बताओ कि मैंने कहा कि इधर और इधर ये दोनों साइड की पॉलिनोमियल बराबर हो रही है, मतलब दोनों साइड की पॉलिनोमियल का डिग्री बराबर हो रहा होगा, इधर की भी और इधर की भी। मतलब मैं यहां पर देखो लिख रहा हूं कि जो गिवन है उसी बात को दोबारा लिख रहा हूं कि एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। क्या इधर की भी डिग्री इज इक्वल टू इधर की भी डिग्री तो बराबर रहेगी, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है और इधर भी पॉलिनोमियल इधर भी पॉलिनोमियल, तो पक्की बात है डिग्री बराबर होनी चाहिए।
अगर डिग्री बराबर होनी चाहिए, मतलब अगर इधर की डिग्री आपकी एन है तो बताओ इधर की डिग्री क्या हो जाएगी भाई, डिग्री। अब एक बात सोचो सर, यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई है तो क्या डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिग्री मल्टीप्लाई होगी या डिग्री जुड़ जाएगी या आपका एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू होगा, क्या होगा सर, हमको कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई होगा या एड होगा, जरा सोचते हैं, जरा सोचते हैं, अपने पास दिमाग लगा दौड़ाते हैं कि अगर मान लो एक एफ एक्स है, मान लेते सिंपल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है और हम यहाँ से एफ ऑफ टू एक्स निकालते हैं, देखो ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स हो गया। अब एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स बताओ कितना हो गया, टू एक्स हो गया, एफ टू एक्स प्लस टू हो गया, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं सिर्फ टू हो गया, दोनों साइड को जरा एफ ऑफ टू एक्स कर लेते हैं और ये आपका है इधर एफ डैश एक्स इंटू एफ, क्योंकि आपको सीखना है तो छोटी छोटी एग्जांपल के थ्रू आप चला चलेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा और फील आता रहेगा साथ साथ। तो यहाँ जरा देख लें एक बार, ये आ गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और यहाँ पे क्या बन गया आपका टू एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एफ डबल डैश एक्स, तो ये आपका बन गया। यहाँ पे कह रहा है ये इसका मतलब इससे शायद काम भी नहीं बन रहा होगा, जरा देख लेते हैं एफ डैश एक्स हमने निकाला टू एक्स प्लस टू और एफ डबल डैश एक्स निकाला टू, जरा देखो यहाँ पे जरा एक चीज बस कर लेते हैं इसको, इसको करने के बजाय और थोड़ा सा इसकी डिग्री बढ़ा लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ टू एक्स, ये हो जाएगा एट एक्स क्यूब हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा और ये आपका है कितना, ये आपका अभी भी 2x स्क्वायर रख देते हैं तो ये आपका 4x हो जाएगा, फिर f डैश x निकाला हमने तो f डैश x आपका हो जाएगा यहां से 3x स्क्वायर, क्योंकि जो हमको दिखाना है वो आपको दिखेगा 4x हो जाएगा और f डबल डैश हो जाएगा आपका कितना 6x प्लस 4। अब जरा देखो एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, जरा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे 6x प्लस 4, जरा देखो तो डिग्री कितनी हुई दोनों की, जरा मल्टीप्लाई करके देखो तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो डिग्री कितना हुआ, दो और ये मल्टीप्लाई किया तीन हुआ, क्या डिग्री क्या यहां से, इसकी डिग्री 3x स्क्वायर और ये 18x क्यूब हो गया क्या, और उसके बाद से अगला देखा जाएगा तो ये 12x स्क्वायर फिर आपका 24x प्लस आपका 24x स्क्वायर प्लस 16x, जरा देखो तो डिग्री कितनी आ गई, डिग्री तीन और इधर की भी डिग्री कितनी थी तीन, इसका मतलब कि तीन डिग्री था तो आपका देखो क्या हुआ, इधर के दोनों का डिग्री, इधर का डिग्री टू और इधर का डिग्री वन, टू इंटू वन, क्या दोनों डिग्री जुड़ी है कि मल्टीप्लाई हुई है, तो टू प्लस वन जाके डिग्री डिग्री जुड़ जाती है, मतलब अगर इंडेक्स होता है तो जुड़ जाता है, तो ये मल्टीप्लाई ना होकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका प्लस हो गया मतलब दोनों की डिग्री, क्योंकि जब हम डिग्री के बारे में बात करें तो दोनों की डिग्री जुड़ जाएगी और जुड़ने इसके साथ ये n से n कट गया, इधर जीरो हो गया, इधर माइनस वन प्लस एन माइनस टू हो गया, ओहो क्या बात है, तीन पे काम ही कर गया, मतलब इसका आंसर हो गया डिग्री कितना तीन, डिग्री तीन हो गया, मतलब इस पॉलीनोमियल की डिग्री तीन हो गई, बोलो बच्चों बात समझ में आया, डिग्री तो तीन हो गया, लेकिन सवाल में एक और बात पूछ रखा था क्या, कि डिग्री आप बताने के बाद बताओ कि वो पॉलीनोमियल क्या होगा, और तीन डिग्री का पॉलीनोमियल, देखो इसके लिए मुझे जगह चाहिए, मैं इधर का फिर से इधर का बोर्ड में पूरा साफ करूंगा, इतना मिल चुका है कि तीन डिग्री का पॉलीनोमियल है तो हमें इसके लिए जगह चाहिए, आप फटाफट नोट कर लें और हमको तीन डिग्री के पॉलीनोमियल लिखना पड़ेगा, तो जरा लिखिए तीन डिग्री का पॉलीनोमियल लिखते हैं। देखो सेकेंड के लिए हम सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं, लेट पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ये ए एक्स क्यूब तीन डिग्री का पॉलीनोमियल बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, गिवेन क्या है, सवाल में गिवेन है एफ ऑफ टू एक्स एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, बढ़िया, तो एफ ऑफ टू एक्स का मतलब एट ए एक्स क्यूब प्लस फोर बी एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस डी, एक्स के जगह पे 2x पुट हो गया, और f डैश x का मतलब 3ax स्क्वायर, ठीक है 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और f डबल डैश x का मतलब इनको फिर से हमने डबल डैश किया तो ये हो जाएगा आपका यहीं से इनको किया तो 6ax प्लस 2b। अच्छा बच्चों अब क्या किया जाए, तो अब अपने पास कोई चॉइस नहीं है इनको सॉल्व करने के बजाय, 4bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d, जरा इनको सॉल्व करते हैं, 3t जा आ नहीं ये 18
ए स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर ये आपका जरा देखो तो ये आपका कितना है 3 2 + 6 ए बी एक्स स्क्वायर, फिर आपका ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में मुझे ऊपर भी मिटाना पड़ेगा, तो मैं ऊपर भी साफ कर देता हूं बोर्ड को और दोबारा इन चीजों को साफ साफ लिख देते हैं। तो जरा देखो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये आपका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपका प्लस में 12 ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है 12 ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 ए सी एक्स प्लस। देखो 60 भी होता है, हर चीजों का 60 का तरीका भी होता है, यानी डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम इसको, लेकिन अभी के लिए हमने डायरेक्ट नहीं किया है। यह हो गया 6 ए सी एक्स, ये ए सी एक्स और यहां हो गया 2 बी सी। अब जरा देखो दोनों साइड से क्या किए, कंपेयर कोफिशियंट, कंपेयर कोफिशियंट। तो पहले कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब दोनों साइड से कंपेयर किए। देखो यहां पे कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब करना है, इधर देखो पहले यहां पे इधर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कोफिशियंट 8a है, क्या है 8a है, राइट साइड में क्या है कोफिशियंट एक्स क्यूब का देखो तो 18a स्क्वायर है, यहां पे है 18a स्क्वायर। फिर दूसरा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो उस केस में अपने पास दोनों साइड देखते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है यहां पे क्या कोफिशियंट है 4b, उधर में है 4b, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में देखो यहां पे है राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कहां पे 6ab और यहां पे प्लस 12ab, देख लो 6ab प्लस 12ab, कोई बात नहीं। कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है बच्चों, और तो कुछ अपने पास है नहीं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, इधर में 2c है और इधर में कितना है एक्स का कोफिशियंट, एक 6ac है और एक 6ac है, आई थिंक 12ac है, तो एक जगह है 6ac क्योंकि आया होगा बिल्कुल, ये आया होगा 2b से, ये आपका 2b, इस 2b से मल्टीप्लाई, अच्छा कुछ छूटा है क्या, ओह ओह छूटा है 3a स्क्वायर भी 2bx और ये 2bx 4b स्क्वायर x भी है यहाँ पे, वो कहीं छूटा हुआ है 12ab स्क्वायर, मतलब ये आपका हो गया 6 12ab स्क्वायर और ये वाला यहाँ पे वाला पोर्शन छूटा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 4, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ये आपका 4b स्क्वायर x, फिर ये आपका 6ac x और फिर यहाँ पे 2ac, तो आपके पास है x का कोफिशियंट 4b स्क्वायर प्लस 6ac, ठीक है। और फिर आखिरी वाला टर्म आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, देखो कांस्टेंट टर्म उधर से d है और इधर से क्या है आपका सिर्फ 2bc, सिर्फ आपका 2bc, यहाँ पे 2bc, कोई बात नहीं। कंपेयर करने के बाद अब इनको सॉल्व करने की जरूरत है, बिना इनको सॉल्व किए काम नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे एक a से a कट गया, a इक्वल टू 0 हो नहीं सकता है तो इसलिए हमने काट दिया है, और a की वैल्यू हो गई 8/18, 8/18 का मतलब कुछ भी आपका, कुछ आपका 4/9, ठीक है। यहां से a मिल चुका तो यहां से b भी मिल जाएगा, देखो 6ab और ये आपका 18ab, 4b इक्वल टू 18ab, 4b इक्वल टू 18ab, तो क्या हो गया बच्चों, इधर से जरा देखो इधर को b ले आ दिया, 18 में से b चला गया, कितना 18 में से b चला गया 14ab, और यहां से a तो 0 हो नहीं सकता तो b बराबर हो गया 0, यहां से देखो b बराबर 0 हो गया तो 2c इक्वल टू यहां से ये वाला 2c इक्वल टू 0 प्लस 6ac, और फिर ये आपका 2c इक्वल टू 6ac, 6a की वैल्यू अपने पास 4/9 है इनटू सी, तो ये हो गया 3 से कटा 3 और इधर में हो जाएगा आपका 2 3 2 6ac इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया आपका 8c और इधर आपका ac इक्वल टू 8c, यानी c इक्वल टू फिर से आ गया 0, c इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे देखो d की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, सिर्फ और सिर्फ एक a आया, मतलब fx इक्वल टू क्या आया, आई थिंक एक बार कैलकुलेशन आप चेक भी कर लेना, तो fx इक्वल टू सिर्फ आ गया कितना ax³ का मतलब a की जगह पे 4 यानी ax³, बाकी सब शायद 0 हो गया, b c और d सब 0 हो गया, तो आपका शायद आंसर हो गया यहाँ से 4/9 x³। एक बार आप वापस इनको चेक भी कर लें, चेक करने का मतलब एक बार आप इनको यहां से चेक कर ले बच्चों, चेक करने का मतलब यह हुआ कि जरा f ऑफ 2x निकाले,
कितना हो गया 2x, आपका f ऑफ 2x हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 8x क्यूब बाई 9, मतलब ये हो जाएगा आपका 8 फोर जा 32 बाई 9 एक्स क्यूब। आप जरा f डैश x निकालें, इसका f डैश x निकालने का मतलब ये हो जाएगा 4 बाई 9 इंटू 3x स्क्वायर, और आपका f डबल डैश x निकालें तो ये हो जाएगा 4 बाई 9 इंटू 6x स्क्वायर। 6x दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं थोड़ा सा मेरे पास जगह की अगर बात बन जाए तो मैं जगह में आपको दिखा दूं, इधर में कहीं तो यही वेरीफाई भी हो जाएगा। यहाँ पे f डैश x इंटू f डैश डबल डैश x की वैल्यू हो गई 4 बाई 9 मतलब 4 बाई 3 एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना बचा 4 बाई नहीं 8 बाई 3, देखो एक 3 से 3 कटेगा 8 बाई 3 एक्स और 32 एक्स क्यूब, देखो आ गया 32 बाई एक्स क्यूब बाई 9, तो जो आया है बिल्कुल सही आया है, पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो सवाल देखो क्या दिया था, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखा था और इसी इंफॉर्मेशन से, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखा था और इसी इंफॉर्मेशन से हमको पॉलिनोमियल भी निकालना था, डिग्री निकालना था। डिग्री निकालना आसान पार्ट था, पॉलिनोमियल निकालना थोड़ा सा कठिन पार्ट था, थोड़ा सा गंदा पार्ट था, इसीलिए सवाल का लेवल थोड़ा बड़ा था क्योंकि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद कोफिशियंट कंपेयर करके कोफिशियंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब अच्छा बात समझ में आ गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, इसके लिए हमें बोर्ड साफ करने की जरूरत पड़ेगी। अगले सवाल पे आते हैं बच्चों, सवाल मान लो दे रखा है इफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 एंड एफ एफ डैश 1 इज इक्वल टू, लाइक दे रखा है एफ डैश 1 इज इक्वल टू 3, और सवाल में कह रहा है कि एंड फाइंड, यहीं पे सवाल कह रहा है कि फाइंड, ये सवाल आपका है एंड फाइंड डेरिवेटिव ऑफ मान लो सवाल दे रखा f ऑफ x का होल स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। ये सवाल है IIT JEE, वही JEE भैया ने पूछ रखा है 2019 में ही, अप्रैल वाले सेशन में पूछ रखा था। तो ये एट x इक्वल टू 1 ऑप्शन में कुछ है, मान लो पहला ऑप्शन दे रखा है 15, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 12, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 9, चौथा ऑप्शन दे रखा है 33। तो अब देखते हैं कौन सा इसमें का सही आंसर होगा। सवाल अपने से पूछ रहा है, आपके पास पूरा मौका है, आप सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी तक किए हैं उसी से अपन लोग करेंगे, यानी चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक, कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल का करना, मतलब कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल आ रहा होगा तो अपन लोग कर लेंगे। मान लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू है f ऑफ x, तीन बार f दे रखा है प्लस f ऑफ x का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको dy by dx, इसी का डेरिवेटिव पूछ रहा है, मतलब dy by dx पूछ रहा है और dy by dx पूछ रहा है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि उसके एक चेन रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई इस f से, ये f फटाफट f डैश बन के खड़ा हो गया, बाकी सबको बोला कि आप लोग ऐसे ही रहो, जब तक मैं हूं दीवार की तरह तैनात रहूंगा, आपको छूने नहीं दूंगा किसी को, अंदर में किसी को घुसने नहीं दूंगा f डैश को। लेकिन डेरिवेटिव भी ढीठ आदमी है, क्या बोला, मैं अंदर भी जाऊंगा, इसने इसको तो रोक लिया, बोला कब तक रोकोगे आप, अंदर फिर गया, यहां से क्या मिला f डैश अंदर वाले को, इसको ये बोला ठीक है मैं रोकूंगा, अभी तक परिवार का ही सबसे बड़ा मुखिया, रोकने की कोशिश किया नहीं काम बना, फिर उसके अंदर में गया, फिर ये भी कहा कि ठीक है मैं अपने वाले को रोक लूंगा, रोका, फिर ये डेरिवेटिव फिर ढीठ आदमी है, बोला ठीक है तूने रोक लिया, अभी चेन रूल मेरे पास अवेलेबल है, वो उसके अंदर प्रवेश किया, अब इसको ये वाले को निकाला एफ डैश, ये भी कहा ठीक है मैं अपने अंदर एक्स को रोकूंगा, फिर एक्स तक पहुंचा, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब जब वो सबको खत्म कर दिया, नाश कर दिया, घर टूट गया, खत्म हो गया, अब क्या कर सकते हैं, घर का मुखिया को भी कर लिया, उसके एक बच्चे को, फिर उसके बच्चे को, फिर उसके पोते दादा बेटा सबको खत्म कर दिया, खत्म हो गया, 1 तक पहुंच गया कांस्टेंट, अब क्या कर सकता हो। फिर अब इसको आया, सबसे पहले मुलाकात हुई इस ब्रैकेट से, ये लड़ गया, लड़ते ही इसको डिफरेंशिएट किया 2 इनटू एफएक्स, फिर अंदर जाने की कोशिश किया, अंदर चला भी गया डिफरेंशिएट करके, इसको गया ये एफएक्स दिया एफ डैश एक्स, ठीक है आई बात समझ में, और फिर अंदर में गया, एक्स का डेरिवेटिव बेसिकली 1 हो गया। अब इसको किस बात पे पूछ रहा है, कहां पे डेरिवेटिव पूछ रहा है, 1 पे, dy by dx
कहां पे एट x इक्वल टू वन, और x इक्वल टू वन का मतलब बच्चों ये होता है कि जहां जहां x है वहां वहां आपका वन पुट हो जाएगा, ये वाले के x के जगह पे वन इंटू एफ डैश एफ ऑफ वन इंटू क्या हो जाएगा एफ डैश वन प्लस यहाँ पे भी 2 इंटू एफ ऑफ वन इंटू एफ डैश वन। अब इसके बाद मैं उधर बढ़ूंगा, उधर साइड में बढ़ूंगा। अब इस एफ ऑफ वन की वैल्यू देखो सवाल में वन दे रखा है, एफ ऑफ वन की वैल्यू वन दे रखा है, मतलब हमें परेशान नहीं किया। ये डी वाई बाई डी एक्स आया जरूर x इक्वल टू वन पे, लेकिन परेशान नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन है, तो ये अपने पास हमने कहा एफ डैश f ऑफ, और इस पूरे के जगह पे पुट हो गया, इस पूरे के जगह पे वन पुट हो गया, तो दो ही f डैश और f बच गया, इंटू f डैश इस पूरे की जगह पे वन पुट हो गया तो f डैश वन हो गया, इंटू इस वाले f डैश वन की जगह पे थ्री आ गया, प्लस इस वाले f डैश f ऑफ वन की जगह पे वन इंटू f डैश वन की जगह पे थ्री सवाल में दे रखा था इतना। अब जरा देखो तो फिर इसके जगह पे वन यानी f डैश वन इंटू इसके जगह पे तीन इंटू तीन प्लस थ्री टू जा सिक्स, इसके जगह पे फिर अगेन तीन इंटू तीन इंटू तीन प्लस सिक्स, ये थ्री 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 नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्स आंसर हो गया 37। कौन सा ऑप्शन बच्चों? बच्चा बताओ dy by dx at x equal to 1 पे 33 आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? ये सवाल आपका जे 2019 में पूछ रखा है, मेंस अप्रैल वाले सेशन में पूछ रखा है। ऐसे ही सवाल मान लो, ऐसे सवाल और भी एक सवाल मान लो जे 19 में ही पूछ रखा है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि इफ मान लो सवाल है, इफ एफ कोई फंक्शन है आर से आर, देखो एफ कोई फंक्शन है आर से आर, मतलब आर से आर पे डिफाइंड है इज सच दैट, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से ये सवाल थोड़ा सा जो पूछा है ये थोड़ा अच्छा है जेईई, ये तो जेईई मेंस बस करने लायक है, एडवांस लायक तो अभी ये सवाल ही नहीं बना, एडवांस लायक और आगे आएंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश वन प्लस एक्स इंटू एफ डैश एफ डबल डैश टू, जितना डैश बढ़ा रहा है उतनी बातें ये खत्म कर रहा है, एफ डबल डैश थ्री, देन फाइंड f ऑफ टू, मतलब हमसे f ऑफ टू, इसमें भी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मान लो दे रखा है आपका 30, दूसरा ऑप्शन दे रखा है माइनस 8, तीसरा ऑप्शन दे रखा है माइनस 2, चौथा ऑप्शन दे रखा है 10, आपको इनमें से ऑप्शन बताना है। ये भी सवाल वही आपका जे 2019 में सवाल पूछ रखा है इसको भी। तो अगर हम देखा जाए सवाल में तो ये थोड़ा सा हमको हमारे हिसाब से बढ़िया सवाल लगता है, क्योंकि पूरा आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा तब उसमें एफ ऑफ टू, क्योंकि दूसरे कोई चॉइस ही नहीं बची है। जैसे एफ ऑफ टू भरेंगे तो एफ ऑफ टू में आपका यहाँ हर जगह आ जाएगा, तो मतलब एफ डैश वन एफ क्या 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 क्या, एक सेकेंड और अच्छा बात बन गया, हमें एफ ऑफ टू चाहिए, एफ ऑफ टू हमने भरा यहाँ यहाँ एफ डैश वन एफ डैश टू एफ ट्रिपल डैश थ्री, मतलब अपने को क्या चाहिए, एफ एक्स नहीं चाहिए, एफ डैश वन एफ डबल डैश टू और एफ ट्रिपल डैश थ्री मिल जाए तो आंसर मिल जाएगा। सवाल देखो, सवाल कितना शानदार पूछ रखा है, मैंने इधर से चीजों को हटाया और सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे अब, कि सवाल हमसे पूछ रखा है जितना उतने की अगर हम बात करें बस, तो बच्चों क्या हो गया कि देखो यहां पे अगर हमसे पूछ रखा है f ऑफ टू, क्या पूछ रखा है f ऑफ टू, अगर f ऑफ टू की अपन बात करें, f ऑफ टू जरा देखो जहां जहां x है वहां वहां टू पुट हो गया, मतलब यहां हो गया 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर इंटू एफ डैश वन प्लस 2 इंटू एफ डबल डैश टू प्लस एफ ट्रिपल डैश थ्री, मतलब क्या अच्छी सी खबर ये है यहाँ पे कि 8 प्लस 4 एफ डैश 1 प्लस 2 इंटू एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3, अपने को क्या चाहिए, अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब एफ एक्स से अपने को मतलब भी नहीं है, क्या चाहिए एफ डैश वन एफ डबल डैश डबल डैश टू और एफ ट्रिपल डैश थ्री, कुल मिला के ये चाहिए। ठीक है, सोचते हैं कैसे निकलेगा, जरा एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, देखो सवाल को सोचेंगे लिखेंगे तो पक्का बन जाएगा एफ डैश वन एक्स इंटू एफ डबल डैश वन प्लस सॉरी टू एफ ट्रिपल डैश थ्री। ठीक है, कोई बात नहीं,
एफ ट्रिपल डैश, ओहो इतनी अच्छी बात है, ट्रिपल डैश मतलब तीन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सिर्फ 3 × 2 = 6 बचेगा। सोचो एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है 6 बचेगा, और एक जब कांस्टेंट आ गया तो एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, कुछ भी डालो वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। वाओ, यानी एफ डैश एक्स आ गया 3x² + 2xf - x, f - 1 + f" (2). ठीक है, ये और एफ डबल डैश एक्स आ गया 6x + 2f - 1, और एफ ट्रिपल डैश एक्स आ गया ओनली 6। जरा बताओ इसमें जैसे ही हमने पुट किया एफ ट्रिपल डैश 3 क्या देगा भाई, कांस्टेंट है तो ये तो एक तो आ गया, क्या अच्छी बात है, एक आ गया। अब हमको चाहिए 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 है, बड़ा सिंपल सी कहानी है। एक बार इसमें 1 रखो, एक बार इसमें 2 रखो, क्योंकि एफ डबल डैश 2 चाहिए और एफ डैश 1 चाहिए, तो इसमें 1 रखो इसमें 2 रखो, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक ये अननोन है और ये एक अननोन है। यहाँ पे अननोन एफ डैश 1 है, यहाँ पे 2 डाल दो एफ डैश 2, एफ डबल डैश 2 हो जाएगा, एफ डैश 1 हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर इसको 1 मानता और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता तो क्या करें, पुट एक्स इक्वल टू 1 इसमें, क्योंकि f डैश 1 f डबल डैश 2 है, यही अपने को वेरिएबल चाहिए, f डैश 1 में चाहिए चीजें, तो ये यहां से बन जाता n इक्वेशन नंबर 1। पुट किया तो क्या आया अपने पास f डैश 1, देखो f डैश 1 यहां पे 3 + 2 × f - 1 + f" (2), मतलब कुल मिला के एक यह क्या, ये आपका और पुट एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पे f डबल डैश के लिए 2 चाहिए, तो यहाँ पे अपने पास x इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2 तो f डबल डैश 2 इक्वल टू आ गया 6 × 2 = 12 + 2f - 1। बहुत अच्छा, f डबल डैश 2 की वैल्यू उठा के इसमें डाल दे। अगर इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलते हैं तो 4 की वैल्यू उठा के 3 में रखते तो देखो आंसर आ जाएगा। जरा उधर से मैं हटाता हूं, पिछला वाला सवाल वाला ये सवाल पार्ट मैंने हटा दिया, तो अब हमारे पास आ गया बच्चों क्या आ गया अपने पास कि एफ डैश 1 तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन को हमने यूज कर लिया, क्या आया होगा एफ डैश 1 इक्वल टू यहां पे है 3 + 2 × f - 1 + यहां पे f डबल डैश 2 के जगह पे क्या आ गया 12 + 2 × f - 1, क्या हो गया यहाँ पे 12 × f - 1 क्या दे दिया ये, तो ये आपका दे दिया यहाँ पे देखो ये आपका 2 + 4 यानी 3 + 12 = 15 + 4f - f - 1 ये उसको उधर भेज दिया तो ये हो गया -3f - 1 = 15 यानी f डैश 1 इक्वल टू आपका आ गया -5। तो जरा बता दो बच्चों f डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी हो गई, क्या है 12 प्लस, देखो यही तो है 12 + 2f - 1 मतलब -15 यानी 12 + -10 यानी f डबल डैश 2 जो हो गया वो हो गया +2, ये आ गया यानी दोनों वैल्यू आ गई, सब आ गई। अब आ जाओ वापस यहां पर रख देते हैं, यहां पे जो वैल्यू है उठाकर रख देते हैं, तो रखते ही f ऑफ 2 की वैल्यू अगेन आ गई, देखो 8 + 4 कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है बच्चों, जरा एक बार देख लो कि ये शायद ये 5 है तो 5 है 3 यानी -5 है, तो चलो ठीक है हाँ f डैश 1 की वैल्यू -5 तो ये हो गया 4 × −5 + 2 × 2 + f ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू थी 6 तो यहां से वैल्यू आ गया 8, ये हो गया 4 × 6 = 10 + 8 = 18 - 20 18 - 20 ओ हाँ -2 ऑप्शन में है, -2 ऑप्शन में है, देखो कहीं है ऑप्शन में -2, ये वाला आंसर सही हो गया। बात समझ में आई, ये JEE 2019 का थोड़ा ये सवाल बढ़िया था, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन है, ये तो बहुत ही इजी वाले पार्ट में से, मतलब ये लल्लू टाइप के सवाल कहलाते हैं, होता रहता है ना कि अभी नौ सीख हुआ है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के पीछे जैसे नया नया ड्राइवर होता है फोर व्हीलर, तो उसके पीछे लिखा था एल मतलब लल्लू ड्राइवर, मतलब लर्निंग वाला सीख रहा है, लल्लू है अभी, तो लल्लू टाइप के सवाल है, मतलब अभी सीख रहे हैं, उसी में IIT ने सवाल पूछ लिया, बहुत कठिन नहीं है, ये सब इजी पार्ट है। और जरा सा और आगे अपने सवालों पर बात करते हैं।
तो अगला सवाल लेते हैं बच्चों, ये भी मैं ये भी आपका सवाल जेई का ही ले रहा हूँ, एडवांस का सवाल है ये। लाइक सवाल आपके सामने ऐसे लिखा है कि इफ अगर कोई फंक्शन है इफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, सवाल दे रखा है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और क्या सवाल में है, सवाल में और दे रखा है आपका कि एफ ऑफ एंड ए जी डैश या जी ऑफ एक्स, नहीं जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स दे रखा है और कह रहा है कि एंड एफ कैपिटल एफ एक्स एक्स फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, कि कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है सवाल में, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है जी ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर एंड कैपिटल एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू सेवन दे रखा है, देन पूछा है कैपिटल एफ ऑफ सेवन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, आपका एफ ऑफ थ्री, कैपिटल एफ ऑफ थ्री मतलब एफ ऑफ थ्री आपका आया है, एफ ऑफ सेवन पूछ रहा है, तो इसका मत ऐसा मत कर देना कि सर एफ ऑफ थ्री इक्वल टू सेवन तो एफ ऑफ सेवन इक्वल टू थ्री, ऐसा नहीं होता है, मतलब ये इधर का तो उधर का इधर का ऐसा कुछ नहीं होता है, इनवर्स और वो सब एक ही फंक्शन तो नहीं है ना, क्योंकि उधर भेजेंगे तो एफ इनवर्स सेवन हो जाएगा और आपको इनवर्स में आप पढ़ चुके हो कि दोनों सेम नहीं होते हैं, अलग अलग फंक्शन आते हैं। तो यहां पे अच्छा एक चीज देखने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है सर इसमें, तो देखने वाली बात यह है कि भाई एफ डबल डैश एक्स चाहिए, ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स आएगा कब, जब कोई फंक्शन दो बार डिफरेंशिएट होगा, मतलब इस वाले चीज का यूज कब कर सकते हो आप, बात होनी चाहिए ना आपके समझ में कि सर ये तो दे रखा है हमारे किस काम का, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये एफ डबल डैश का यूज तो हम तभी कर सकते हैं जब हमको उस पिक्चर में एफ डबल डैश आए, यानी कहीं पे हमें एफ डबल डैश आएगा तभी तो उसके जगह पे माइनस एफ एक्स अपन पुट कर सकते हैं, उसके लिए पहले अपने को एफ डबल डैश दिखना पड़ेगा और एफ डबल डैश दिखना पड़ेगा मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा निकालेंगे तो सबसे पहला वही इनकाउंटर हुआ एक्स ब्रैकेट से तो ये हो गया इनटू, फिर उसके अंदर इंटर किया तो ये आपका एफ डैश ने अपने ऊपर भार सारा सह लिया, फिर अंदर गया तो एक्स भी आपको बोला कि अब हम कुछ ना कर सकते हैं भाई, अब हमारा भी डिफरेंशिएशन हो ही जाएगा, प्लस इधर भी वही टू इंटू जी ऑफ एक्स वाई टू का होल स्क्वायर सबसे पहले ब्रैकेट ने अपने ऊपर तीर यानी तलवार सहा, फिर उसके अंदर गया तो जी अपने ऊपर सहा, ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये भी चला गया, ये टू से टू काटा, ये टू से टू काटा, बात सही। इसके बाद उस तरीके देखो ना एफ डैश एक्स बाई टू दिख रहा है, ये वाला बात तो काम में आ गया, इसका तो काम में आ गया, क्या शानदार सी बात है, कह रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स बाई टू, तो एफ डैश एक्स बाई टू की जगह पे जी ऑफ एक्स बाई टू, यानी एफ डैश एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स के बाई टू की जगह पे जी ऑफ एक्स बाई टू, मतलब क्या हुआ भाई, मतलब क्या हुआ एफ डैश एक्स बाई एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई टू अभी भी है अपने पास इंटू एफ डैश एक्स बाई टू की जगह पे, ये किधर की तरफ रिकमेंड करेगा कि एफ डैश एक्स बाई टू, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स है, तो एक्स बाई टू पुट करेंगे तो इधर भी एक्स बाई टू हो जाएगा, तो ये कहेगा कि हम एक्स बाई टू बन गए, कोई बात नहीं, अच्छी खबर है ये भी जी ऑफ एक्स बाई टू। पता नहीं क्यों ऐसे मन में बहुत ज्यादा ऐसी जागृति हो रही है, लालसा उत्पन्न हो रही है कि सर जी इधर एफ और जी है, इधर जी जी दोनों है, अगर कैसे भी करके यहाँ जी तो है ही, ये वाला बराबर है, अगर कैसे भी करके माइनस एफ हो जाता कट जाता, एक जागृत हो रही है, देखो एफ जी हो जाता कट जाता, मतलब कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए कि एक्स बाई टू कैंसिल हो जाए, यानी कुछ क्या किया जाए, जी डैश एक्स बाई टू, ओहो यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, जरा इसका देखो तो इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, क्या जी डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा क्या, तरीके हमें को तो डबल डैश चाहिए था, देखो यहाँ पे चाहिए था क्या एफ डबल डैश, अगर डबल डैश चाहिए था तो जी डैश एक्स बाई टू बराबर एफ डबल डैश एक्स बाई टू, और जरा देखो तो क्या यहाँ पे मैं इसके जगह पे एफ डबल डैश एक्स बाई टू रख सकता हूँ क्या यहाँ पे, शानदार शानदार बहुत अच्छा। और सर जी फिर मैं इधर आता हूँ बच्चों, थोड़ा इधर आ जाता हूँ मैं, कि एफ डैश एक्स के जगह पे क्या हो गया अपने पास,
स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई टू इंटू जी ऑफ एक्स वाई टू, इसका तो फर्दर कोई हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे जी ऑफ एक्स वाई टू है इंटू एफ डबल डैश दिखते ही, एफ डबल डैश दिखते ही देखो यहाँ पे सबसे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा था कि डबल डैश दिखेगा तो माइनस एफ एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस एफ एक्स बन जाएगा, तो यहाँ पे बन गया आपका माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई टू। अब जरा देखो तो कैंसिल कैंसिल, मतलब एफ डबल एफ कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब अगर क्या कहना चाहता है इसका कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है तो फंक्शन कैसा, बोलो कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट। तो ये हो गया कोई कांस्टेंट के, और के सवाल में दे रखा है कि एफ ऑफ थ्री इक्वल टू सेवन, एफ ऑफ थ्री तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ थ्री इक्वल टू के, और इसके जगह पे सेवन है तो के इक्वल टू कितना हो गया सेवन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया सेवन, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया सेवन। सवाल में पूछ रखा है एफ ऑफ सेवन क्या ही फर्क पड़ता है, जब कॉन्स्टेंट हो गया तो कुछ भी वैल्यू डालो क्या आंसर देगा सेवन, तो आंसर क्या हो जाएगा सेवन। अगर एफ ऑफ फाइव भी पूछा होता तो हम कहते क्या सेवन, एफ ऑफ जीरो भी पूछा होता तो हम कहते क्या सेवन, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट हो चुका है। बात समझ में आ रही है, तो पूरा का पूरा ये कॉन्स्टेंट हो चुका है। ये आपका सवाल, ये भी जेई मेंस का सवाल है और जेई एडवांस का सवाल है, ये सब सवाल आपको ऐसे सवाल पूछता है, कुछ कठिन नहीं पूछता है। इस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ऐसा चैप्टर है जहां सवाल बहुत आसान उठाता है। तो और जरा जरा और कुछ सवाल किया जाए और मजे लिया जाए सवाल के, तो एक सवाल और लेते हैं बच्चों, एक सवाल और है। एफ कोई फंक्शन है ऐसा ही, एफ माइनस वन से वन से आपका आर तक के फंक्शन दे रखा है, एंड और बात दे रखी है साथ में कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस वन एंड एफ डैश जीरो इज इक्वल टू आल्सो माइनस वन, एंड आपसे दे रखा है एंड जी ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ये फंक्शन है एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है। देन पूछ रहा है देन फाइंड आपसे पूछ रहा है जी डैश जीरो। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास मान लो ऑप्शन है आपका टू, दूसरा ऑप्शन है फोर, तीसरा ऑप्शन है माइनस टू, चौथा ऑप्शन है माइनस थ्री। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, बाद में देखते हैं, पहले अपन लोग सवाल सॉल्व करते हैं। फिर से वही बात है कि एफ डैश दे रखा है जीरो और एफ ऑफ जीरो दे रखा है, जी डैश जीरो पूछ रहा है, तो अपने पास कोई चॉइस ही नहीं बचती है विदाउट जीरो डिफरेंशिएट करने के। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, देखो आप डिफरेंशिएट करने चलते हैं, आप निकाल सकते हैं बना सकते हैं, आपके पास पूरा मौका है बनाने का, आराम से बनाइए, बना के आंसर दीजिए। डेढ़ मिनट का टोटल टाइम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, डेढ़ मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेढ़ मिनट, एक से डेढ़ मिनट के सवाल है बच्चों, ये आपके जेई मेंस लेवल के सवाल है, जेई मेंस मतलब कोई एग्जाम नहीं होता है। जी डैश एक्स आपका हो गया यहां से एफ डैश, सबसे पहला कौन सहेगा तलवार, तलवार आई सबसे पहले एफ डैश सहा, ये टू इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस टू रह गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनटू फिर वो डिफरेंशिएशन तो है ही, बल ऐसी तलवार जो अंदर तक जाएगी, अब इसको अब डिफरेंशिएट करेगी तो टू तो टू ही रहेगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस टू का जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ने मांगा है जी डैश जीरो, अपन लोग जी डैश जीरो कर लेंगे, जी डैश जीरो का मतलब एफ डैश टू ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस टू। फिर ये क्यों, ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट क्यों लग रहा है भाई, बड़ा वाला ब्रैकेट किस हिसाब से लग रहा है, जरूरत ही नहीं है इसकी, सिर्फ इस ब्रैकेट की जरूरत है, इनटू नहीं है जरूरत है, अच्छा हाँ बस ये वाली जरूरत है, इनटू और ये हो जाएगा टू इंटू एफ डैश जीरो, ठीक है। अच्छा ये आपका हो जाएगा एफ डैश टू इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू टू इंटू माइनस वन, कोई बात नहीं, अभी तक कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, मैं नीचे ही लिखता हूं, देखते हैं क्या आंसर देता है। जी डैश जीरो इज इक्वल टू एफ डैश, देखो तो ये कट के जीरो दे दिया क्या, फिर से प्लस टू इंटू माइनस टू, दिए माइनस टू हो गया, और एफ डैश जीरो की वैल्यू अगेन कितनी हो गई, एफ डैश जीरो की वैल्यू अगेन कितनी हो गई माइनस वन, तो हो गया आपका माइनस सॉरी इंटू है यहाँ पे सॉरी इंटू माइनस टू, तो आपका ये हो गया माइनस वन इंटू माइनस टू, यानी आंसर हो गया टू, क्या आंसर हो गया टू, कहीं है क्या ऑप्शन में, हाँ है ना, पहला वाला ऑप्शन है आपका टू, देखो आपका आंसर हो गया माइनस टू, यानी ऑप्शन हो गया टू। अभी तक जो सवाल कर रहे थे वो अभी तक या तो इनवर्स वाले पे किए हैं
या तो कंपोजिट फंक्शन पे किया है। अब थोड़ा इससे बाहर निकलते हैं, और भी सवालों के टाइप होते हैं, और थोड़ा इससे बाहर निकलते हैं। आपने क्लास 11th की फिजिक्स में एक चीज पढ़ा होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों? क्योंकि आईटी पे सवाल इसमें भी पूछता है भाई, मेंस में तो सवाल खूब पूछता है। मतलब मेंस में आप देखोगे तो जो आपके चार पांच पेपर हो रहे हैं ना, उसमें एक आध सवाल तो आ ही रहा है, और आपका नंबर किस वाले पेपर में लगेगा वो आपकी किस्मत पे है। जैसे इसका क्या मतलब है कि देखो, आपने से पूछेगा क्या, पहली बात ध्यान दो, देखो क्या पूछेगा, dy by dx हमसे पूछेगा, मतलब ये यहां पे क्वेश्चन मार्क का मतलब ये हमसे पूछेगा, यही अपने से पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, गिवेन क्या होगा भाई, फिर गिवेन क्या होगा ये पूछेगा, तो गिवेन होगा वाई इज अ फंक्शन ऑफ, वाई सम फंक्शन ऑफ टी होगा, या वाई इज फंक्शन ऑफ सम थीटा होगा। इसका मतलब है कि वाई फंक्शन ऑफ टी होगा या थीटा होगा, कुछ ऐसे होगा। और क्या होगा, एक्स भी एक फंक्शन ऑफ टी होगा, या बीच में लिखता हूं, या फंक्शन ऑफ थीटा होगा। और आपका जब इस समय में dy by dx पूछेगा तो यूज क्या करना है चौथे नंबर पे, तो इसको यूज कैसे करना है, dy by dx पूछेगा तो हम देखो फंक्शन जब y by dx, जैसे मान लो ऐसे कि समथिंग y इज इक्वल टू लिखा है a थीटा या t माइनस cos t, या t माइनस cos t, और x इज इक्वल टू है a वन माइनस sin t, ठीक है। तो आप देख रहा है कि y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो हमको ये dy by dx नहीं निकाल सकते, हमको dy by dt निकाल सकते हैं यहां पे। तो यहां पे क्या करेंगे, dy by dt by dx by dt, इन दोनों का निकाल के ऐसे इनको इनको निकाल के डिवाइड कर देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा कि आपका dy by dx आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, जैसे इसका सोल्यूशन दे देते हैं तो जरा बोलो dy by dt कितना हो जाएगा, क्या वो आपका a t का वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस cos t के जगह पे sin t, और dx by dt कितना हो जाएगा बच्चों, a और ये 0 माइनस आपका cos t sin t का cos t, तो यहां से आ गया therefore dy by dx is equal to आ गया कितना, dy by dx equal to कितना आ गया, यानी ये हो जाएगा आपका dy by dt upon dx by dt, यानी आपका a 1 माइनस sin t, नहीं सॉरी 1 प्लस sin t, शायद 1 प्लस sin t नीचे में upon a cos t, और यहां से a से कट गया, डिवाइड किया तो dy by dx जो फाइनली आ गया वो आ गया, फंक्शन आप t ही आया, लेकिन आया आपका sec t प्लस tan t, सेक्टी प्लस टेंटी। बात समझ में आ रही है, और जरा सवाल करते हैं इस पे और देखते हैं एक आध सवाल और कैसे आएगा। जैसे मान लो आपके सवाल, फिर मैं मेंस के सवाल करा दूंगा और आज का लेक्चर वाइंड अप कर दूंगा इसी पे मैं, तो वाइंड अप करने के लिए एक दो सवाल और कराऊंगा मैं। जैसे मान लो कि ये सवाल आपके सामने है, एक और ऐसे मान लो सवाल आ गया कि इफ वाई इज इक्वल टू ए सेक टी सेक क्यूब थीटा, x इज इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा, एंड देन फाइंड dy by dx एट x एट थीटा इज इक्वल टू पाई by 3, पाई by 3 का मतलब 60 डिग्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपका क्या है यहां पे, dy by dx पूछा है, लेकिन y फंक्शन आप थीटा है, तो हम dy by d थीटा निकालेंगे, यानी dy by dx इक्वल टू लिखेंगे dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, ठीक है। तो dy by d थीटा निकालेंगे सबसे पहले, देखो यहां पे मैं निकालता हूं dy by d थीटा क्या हो जाएगा, a मतलब 3a sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर sec का डिफरेंशिएशन होगा, अंदर घुसेगा फंक्शन तो sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। यानी फाइनली क्या बन गया, dy by d थीटा क्या बना भाई, sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा, नो प्रॉब्लम, dx by d थीटा हम निकालेंगे ये सबसे पहले, q
क्यूब का हुआ तो 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू फिर tan का हुआ ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, उठा के यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड करते ही dx dy by dx क्या बन जाएगा, थोड़ा नीचे से डिवाइड करते हैं dy by dx क्या बन जाएगा, देखो तो ऊपर में आया है कितना 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा, नीचे में भी है 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, एक तो काम हुआ एक tan थीटा से एक tan कटा, 3a से 3a कटा, दो sec से एक sec कटा और ऊपर में एक sec थीटा बचा, नीचे में एक tan थीटा बचा, क्या बचा अपने पास, ऊपर में एक sec थीटा बचा, नीचे में देखो ऊपर में एक sec बचा, नीचे में एक tan बचा, एक tan थीटा बचा, और किस पे पूछ रहा था बच्चों अपने से, किस पे पूछ रहा है, पूछ रहा है कि dy by dx बताना है किस पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, तो ये sec 60 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री, और sec 60 डिग्री की वैल्यू होती है सबको पता है 2 और tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3, यही आपका आंसर हो गया, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये पैरामेट्रिक फॉर्म के थ्रू आपका सवाल का ये dy by dx निकालना। और आप जरा समय बता देता हूं, आपसे पूछ लेता हूं जो जेई मेंस में यानी जेई जो IIT जेई में जो सवाल पूछे गए हैं इसके ऊपर वो मैं कहता हूं, आओ फटाफट अपना काम कर लेते हैं उन सवालों को भी। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे जो भी अपने पढ़े हैं हमने कि ये dy by dx के लिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अब बात करते हैं कि इससे देखो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि नोट करता हूं कि क्या चीज है नोट, जैसे जैसे पहली बात इसमें मैं लिख रहा हूं कि एक y इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ f ऑफ x है, तो कोई आपसे पूछता है dy by dx तो सिंपली आपने लिख दिया कि चलो ठीक है f डैश x हो जाएगा, फिर किसी ने आपसे d2y अपॉन dx स्क्वायर मतलब इसका डबल डेरिवेटिव पूछा तो आपने इसका मतलब यही समझा कि d by dx, इसका मतलब यह होता है कि d by dx of dy by dx और इसका मतलब होता है इसका डबल डेरिवेटिव मतलब f डबल डैश x, ये सिंपल सी बात हो गई कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये तो तब हो गया आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने के लिए बात किया है। तो अगर मान लो यही आपका किसी ने कहा कि d क्यूब y अपॉन dx क्यूब चाहिए तो ये हो जाएगा d by dx ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा, ऐसे 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 हम करते जाएंगे निकलता जाएगा। लेकिन अगर किसी ने उल्टा पूछ दिया d2x अपॉन dy स्क्वायर d2x अपॉन dy स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2x अपॉन dy स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये थोड़ा सा उल्टा अगर किसी ने पूछ दिया उस केस में हम कैसे निकालेंगे, उस केस में कैसे निकालेंगे, जबकि स्टिल हेयर स्टिल आपका फंक्शन है y इज द फंक्शन ऑफ f(x) है, मतलब जो y है वो फंक्शन ऑफ x है, x फंक्शन ऑफ y नहीं है कि आप डायरेक्ट dy by dx निकाल रहे हैं, और ऊपर से ऑप्शन जो दे रखा हो वो आपका ऑप्शन जो हो वो ऑप्शन कुछ dy by dx में ऑप्शन हो, dy by dx में ऑप्शन हो, उस केस में क्या करेंगे, तो पहले आते हैं इसको हम समझते हैं थोड़ा मतलब समझते हैं, जैसे पहले तो हम ये कहें कि d2x अपॉन dx dy स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि d अपॉन dy ऑफ dx अपॉन dy, यही मतलब हुआ, आ रही बात समझ में, यानी क्या मतलब हुआ कि यहां पे dx अपॉन dy का मतलब ये भी मैं लिख सकता हूं कि 1 अपॉन लिखा है dy by dx, क्या लिखा है 1 अपॉन dy by dx। अब जरा सर एक बात बताओ, ये हम कर रहे हैं कि ये अच्छा जो y dy by dx आएगा ये फंक्शन ऑफ x आएगा, क्या रहेगा ये फंक्शन ऑफ x रहेगा, अब मुझे चाहिए यहां से d2x अपॉन dy स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा d by dy ऑफ 1 अपॉन dy by dx, और ये किसका फंक्शन है बच्चों, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये कैसा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो इसको हमको करना पड़ेगा d by dx ऑफ 1 अपॉन dy by dx इंटू dx by dy, ऐसा फील है कि ये इससे कट गया और अभी भी d by dy है, अभी भी d by dy है, ये dx by dy मतलब ये इससे कट गया, मतलब क्या हो गया भाई d2x अपॉन, देखो फील वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, अब ये चूंकि ये फंक्शन ऑफ x है तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी अगर जैसे मान लो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते तो ये कुछ 2x 3x या कुछ मान लो साइन होता तो cos x आता, मतलब स्टिल dy by dx x का ही फंक्शन आता, तो उसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये नीचे का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद करो, 1 अपॉन 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, चेन रूल लगेगा, ये इसका स्क्वायर हो गया इनटू, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया इनटू, फिर इसके अंदर जाएंगे, अंदर का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू पहले से आपका पढ़ाई है आपका डी एक्स बाई डी वाई, बहुत अच्छा, ये नीचे से ऊपर गया माइनस, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का मा पावर माइनस टू इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जरा बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या ये स्टील, देखो तो लिखा तो था कहीं पे डी एक्स बाई डी वाई का मतलब वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और ये फिर नीचे से ऊपर गया तो यहां से बन गया, मैं इधर साइड में ले रहा हूं कि देयरफोर आपका यहां पे ले रहा हूं कि देयरफोर डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर आपका क्या बन गया, ये आपका पहले से है माइनस डी डी वाई बाई डी एक्स का पावर माइनस टू इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू इसका वाला ये नीचे से ऊपर जाएगा तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स का पावर माइनस वन, सब जुड़ उड़ गया, जुड़ने के बाद सब जुड़ के यानी ऐड होकर क्या आया अपने पास माइनस डी वाई बाई डी एक्स की पावर माइनस थ्री इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भी भैया किसी समय आईआईटी में ही पूछा हुआ सवाल है, ये भी जो है आईआईटी में 2005 मतलब पहले बहुत पहले पूछा हुआ है, लेकिन बढ़िया सवाल है आपको फील देने के लिए बढ़िया है कैसे कैसे आपका चेन रूल अप्लाई होता है, कभी आईआईटी में ही पूछा सवाल है, एडवांस उस समय होता था सिर्फ वही पेपर हुआ करता था दो, तो उसमें पूछा हुआ है और ये सवाल आपका आंसर हो गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स की पावर माइनस थ्री डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके ऑप्शन में भी था, ये तो आपका सवाल पिछले कभी आईआईटी का आया हुआ है। अब आते हैं और इसी के बेसिस पे जो अभी रिसेंटली एक सवाल आया था, रिसेंटली मतलब कि 2019 में इसी साल आया था आपका सवाल, ये आया था, देखो सवाल था कि इफ y इज इक्वल टू 360 एंड x इज इक्वल टू 310 फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई बाई फोर, तो पहले हमको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा तब हम पाई बाई फोर उसमें रख सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर से वही पैरामेट्रिक फॉर्म में लगेगा, सोचना पड़ेगा, जैसे सवाल मैं इसीलिए कराया हूं क्योंकि आपको चीजों को थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए, क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स मांग रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी, चलो निकालते हैं क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी टी मतलब ये हो जाएगा थ्री सेक टी इंटू टेन टी, यहां पे क्या हो जाएगा थ्री सेक स्क्वायर टी, कोई दिक्कत नहीं, तीन से तीन कट गया, एक से एक कट गया, यहां पे बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, नीचे से ऊपर जाएगा ये हो जाएगा कॉस टी और ये हो जाएगा टेन टी को मैंने साइन टी अपॉन कॉस टी में कन्वर्ट कर लिया, ये इससे कट गया ऊपर में आ गया आपका सिर्फ साइन टी। अब जरा सोचो बच्चों आपने से मांगा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये हुआ आपका कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, बोला मतलब हुआ ये बात। अब जरा एक बात देखो, ये फंक्शन ऑफ टी है, ये डी वाई बाई डी एक्स किसका फंक्शन है, टी है, यहां पे अपने पास है यहां पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी, तो ये आपका डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट नहीं होगा, ये टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट होगा, और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होने का मतलब ये हुआ कि यहां पे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होने का मतलब यह हुआ कि पहले अपने को दिखाना पड़ेगा कि ये डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको हमको लिखना पड़ेगा कि ये डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू, अब क्या हो जाएगा, लेकिन अभी डी एक्स नीचे वाला बचा है, बैलेंस का हुआ तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, आई बात समझ में, और ये नीचे आएगा तो क्या बन गया, देखो डी बाई डी टी ऑफ डी वाई, अच्छा भाई बाई देखो डी वाई बाई डी एक्स टी कुछ आया हुआ, देखो हाँ यहाँ पे था लेकिन चलो हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, नीचे आके बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी, देखो नीचे से ऊपर जाएगा तो यही बात बन चुका है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी और डी एक्स बाई डी टी आया हुआ है कहीं पे, देखो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा
कितना 3 sec square t, और ये नीचे से ऊपर चला गया तो बन गया आपका d2y upon dx square equal to हो गया 1 by 3 cos cube t, और निकालना है कहां पे, बोलो बच्चों कहां पे निकालना है, t equal to pi by 4 पे, ये रखा ना pi by 4 पे, हो जाएगा 1 by 3 into 1 by root 2 का होल क्यूब, फाइनली आंसर हो गया आपका 1/6√2, यही आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई। तो ये जेई में कुछ ऐसी सवाल पूछता है, कठिन उठी नहीं होता है, बस आपको चीजें यानी वो आपसे चीजें समझना चाहता है कैसे आपने समझा हुआ है। ये सवाल है आपका J9 2019 का ही, बहुत रिसेंटली सवाल है ये, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह के सवाल पूछेंगे, और आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी हमारी, देखते हैं कि उसमें हम क्या थोड़ा और आगे हम चीजों को पढ़ेंगे। चलो आज के लिए बाय बाय, नमस्कार, सद्दाब, जय हिंद।